जो मीडिया के हम तमाम शुक्रिया सर, मैकेनिज्म है उनको फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घरों में लूट मार दी गई है, जिनका सम्मान सर जला दिया गया, हुकूमत के पास उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, सब है। ये बड़ा अच्छा सब कंपनसेशन किया जाएगा सबका। थैंक यू वेरी मच। ये बिशप साहब से कुछ बात, मैं भी चंद बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मकामी इंतजामिया का और प्राइम मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर का और आज वफाकी वजीर मजहबी मुमूर हमारे साथ हैं और बहुत से उलमा साहब जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने चर्चेज देखे हैं, उन्होंने बात की है, लेकिन इसके साथ ही मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो बात हो रही थी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों घर चलते हैं, क्यों बार बार जो है जुल्म होता है, तो उसकी एक वजह यह है कि पुराने जो मुजरम हैं उनका कुछ नहीं हुआ, एकदम जो है वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर उनके मुजरमों को कैफे करदार तक पहुंचाया जाता तो फिर कोई अगला जो हमला करते हुए जरूर सोचता। तो मैं चाहता हूं कि यहां के जो मुजरम हैं उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और इस वाक्या की हकीकी मानों में तस्दीक की जाए। बिशप साहब को मैं ये अर्ज कर दूं कि 21 मुकदमात और 171 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। बहुत विजिलेंट है ये हुकूमत और आपकी जो शिकायत है या जो तहफ़ है उसको दूर किया जाएगा। आप ही ये कहेंगे कि हाँ हुकूमत ने जो शरपसंद लोग हैं उन्हें करार वाकई सजा दी, ठीक है। जिन लोगों के घर जो है वो आधे जख्मी का शिकार, उनको सब कंपनसेशन दे रहे हैं। अगली बात ये घरों में लूट मार की गई है उनके लिए हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं इसके वाले नहीं, बहुत मैकेनिज्म है। ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपसे सवाल करना चाहते हैं सर, ये मैं इनकी बात का जवाब दे दूं सर। ये अधीक्षक साहब, हम आपके बड़े फॉलोअर हैं, मैं खुद भी प्रोफेसर हूं सर, हमारा एक बड़ा बात का जवाब दे दूं मैं इनकी बात का। हमारे पास पहुंचा कोई नहीं, एक सेकंड।